हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम में बड़ा एक खास किस्म का सवाल है और सवाल भी काफी अच्छा है। अब सवाल क्या है और इसका जवाब क्या होगा उन सब के बारे में अभी जानते हैं हम लोग, लेकिन इससे भी पहले टैली प्राइम को हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसी पर तो हमें काम करना है। तो सवाल ये है कि टैली प्राइम के अंदर जो हम यूज करते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले परचेज की एंट्री करते हैं, देन सेल्स की एंट्री करते हैं, तो ये जो परचेज वाली एंट्री है अगर हम इसको ना करें, डायरेक्ट सेल्स वाली एंट्री करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा तब पॉसिबल है जबकि आप कुछ खास कंडीशंस को फॉलो करेंगे। अब क्या है वो चीजें, आइए देखते हैं। किसी एक कंपनी में चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्रोसरी शॉप है, यही एक कंपनी हम ले लेते हैं और अब हम यहां पर आते हैं। अब देखिए सीधा, अब देखिए हमारे पास क्या स्टॉक मौजूद है यहां पर देखने से पता लगेगा। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पे जो है आलमंड है 5 किलो, 2 किलो बेसन है और 57 पीसेस टॉफीज के हैं। तो ये चीजें मौजूद हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोज कीजिए रेड चिली पाउडर सेल करना चाहें तो क्या सेल कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली सेल्स वाउचर में जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है किसी भी एक कस्टमर पार्टी का लेजर लगाते हैं, जैसे कस्टमर वन है इसी का लेजर लगा करके एंटर 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 करते हैं, यहां तक आते हैं और यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाता है। सिंपल है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर हमें क्या करना है, रेड चिली पाउडर एक बनाना है, तो यहां पे अल्ट सी करके यहां दे देते हैं रेड चिली पाउडर या कुछ भी ऐसा चीज, ठीक है, पीओडब्ल्यू डी आर, ठीक है, ये दे दिया रेड चिली पीओडब्ल्यू डी आर होगा, ये हो गया रेड चिली पाउडर, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहां पर ये पैकेट में आएगा तो पीकेटी यहां कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, एंटर करके एंटर करके एंटर करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो हमारे पास तो रेड चिली पाउडर है ही नहीं, तो 50 पैकेट की बात करते हैं। अब देखिए तुरंत यहां आएगा क्या, नेगेटिव स्टॉक। इसका सोल्यूशन क्या है, हम सेल्स में डायरेक्ट एंट्री कर ही नहीं सकते, हमको परचेस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप सीधा सेल्स करना चाहते हैं तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं। वापिस उसी एंट्री पे आते हैं, देखिए यहाँ पे 50 पैकेट हम सेल कर रहे थे तो नेगेटिव स्टॉक की वार्निंग आ रही थी, 69 रुपए का एक सेल कर रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि नेगेटिव स्टॉक आ रहा है। अगर हम एक भी कर दें यहाँ पे, मान लीजिए हो सकता है 50 ना हो, लेकिन एक भी करेंगे तब भी नेगेटिव स्टॉक आएगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आ रहा है ना, तो इसका केवल एक ही सोल्यूशन हो सकता है और वो क्या हो सकता है कि आप ओपनिंग स्टॉक एड कर दीजिए। ये काम आप कर सकते हैं, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्टर पे आएंगे, लेजर पे आएंगे और स्टॉक आइटम पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टॉक आइटम है, अल्टर पे जाएंगे और फिर स्टॉक आइटम पे आना है, यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम दिखेगा, ये स्टॉक आइटम आप ले लीजिए। और हमने क्या लिया था, रेड चिली पाउडर, ये लिया था ना, तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप ओपनिंग क्वांटिटी डाल दीजिए, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आप डाल सकते हैं। क्वांटिटी मान लीजिए हम एक पैकेट डालते हैं, सिंपली एक पैकेट, तो ये एक पैकेट हो गया, इसकी प्राइस डाल देंगे, एक पैकेट की प्राइस है 60 रुपए, यहाँ पे डाल दिया, ये हो गया, ये जो है यहाँ पे 60 रुपए प्राइस हमने डाल दिया है। और अब हम कहाँ चलेंगे, सेल्स वाउचर में, सीधा चलते हैं कहाँ, सेल्स वाउचर में। और ये कस्टमर वन का ही लेजर हम लगा रहे थे तो ये लगा लेते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करके नीचे आते हैं और एंटर करके यहाँ आ जाते हैं। अब यहां पर आएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, रेड चिली पाउडर का लेजर लगाएंगे, तो ये आ गया रेड चिली पाउडर। क्वांटिटी कितनी देते हैं, एक। अब एक देंगे तो यहां पे देखिए नेगेटिव स्टॉक नहीं आया आपका, ठीक है। अब इसको हम बेच देंगे 69 रुपए का एक, ठीक है, ये कर दिया हमने, कोई डिस्काउंट नहीं है। और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी के लेजर लगा देंगे, तो यहाँ पे ये सीजीएसटी आ गया। अब ये कितना परसेंट लागू हुआ ये आपको सोचना थोड़ा पड़ेगा, ठीक है। अब सोच रहा क्या, ये तो पता ही चल जाएगा। और ये सीजीएसटी हो गया, ये एसजीएसटी हो गया, अब एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ पे आप नरेशन डाल दीजिएगा, द गुड्स, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही, हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार की ये सेलिंग हुई है तो यहाँ पे क्रेडिट मैं रख रहा हूं, ठीक है। और यहां पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब अगर दोबारा आप इसी को सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओपनिंग क्वांटिटी हमने एक ही डाला था, तो अब अगर दोबारा यही चीज लगाते हैं यहाँ पे, यानी कि रेड चिली पाउडर लेते हैं, तो अब तो नेगेटिव स्टॉक आएगा क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास कितना अवेलेबल है, 0 पैकेट। तो अगर आप एक भी पैकेट यहाँ सेल करने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव स्टॉक आएगा। तो ये एक सोल्यूशन बन जाएगा आपका अगर आप ये चाहते हैं बिना परचेज के ही सेल करना, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है ना।
अब आपको कोई सी भी एंट्री करनी हो तो अगर आप सेल्स में जाते हैं कोई अलग स्टॉक आइटम भी बनाना है, जैसे अब इस बार हम कैश में करते हैं ये, तो ये कैश कर दिया और कैश करते हुए नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे एंटर करेंगे और यहाँ पे आते हैं तो सेल्स अकाउंट आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब यहाँ पर आएंगे तो फिर बनाना होगा हमको एक नया स्टॉक आइटम। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज कीजिए माउस, MOUSE, तो ये माउस कर दिया, एंटर किया एंटर किया एंटर करके यहाँ पे आए, तो माउस बिकेगा तो ना तो पैकेट में बिकेगा, अब पैकेट तो है नहीं, किलो में भी नहीं बिक सकता। ठीक है, किलो में भी नहीं बिक सकता, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट सी करके एक यूनिट बना लेंगे। कौन सा यूनिट? NOS, ये बना लिया हमने, और इसका मतलब होता है नंबर्स। ठीक है, ये हो गया नंबर्स, और नंबर्स करने के बाद एंटर कर दीजिए और एंटर कर दीजिए और यहाँ पे एन प्रेस कीजिए। देखिए एन प्रेस करते ही आपको दिखाई पड़ेगा नंबर्स, तो ये नंबर्स हो गया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। और बाकी यहाँ पे NOS तो आप ले ही चुके हैं, अब अल्टरनेट यूनिट लेने की कोई जरूरत नहीं, एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी एक स्टॉक आइटम हमारे पास हो गया, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि अगर आप डायरेक्टली सिंपल तरीके से यहाँ 5 प्रेस कर देंगे तो यहाँ आ गया नेगेटिव स्टॉक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैक जाना है, यानी एस्केप बटन प्रेस करके और यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। अब ये आ गए, ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू आने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमें वापस चले जाना है अल्टर पर। ये अल्टर पे आए और स्टॉक आइटम को अल्टर कर लेना है। कौन सा स्टॉक आइटम था? माउस था। तो यहाँ पे माउस हम उठाते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे है माउस, एंटर करते हैं। इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक डाला नहीं है, तो यहाँ से ओपनिंग स्टॉक डालते हैं 50, माउस की क्वांटिटी डाल देते हैं और एक की खरीद रेट 100 रुपए, ये भी डाल देते हैं और यहाँ पे ही आ गया। अब जब हम परचेज या सेल्स में एंट्री पास करेंगे, परचेज में तो जाना ही, तो सेल्स में एंट्री पास करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कस्टमर वन आ गया यहाँ पर, एंटर करके आएंगे, एंटर करेंगे और जैसे ही यहाँ पे आते हैं ना तो सीधा आप एंट्री कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या लगाना है हमें, यहाँ पे माउस का लेजर इंसर्ट करना, ये लेजर इंसर्ट किया और 55 कर दिया हमने, और 55 किया तो नेगेटिव स्टॉक आ गया। कितना नेगेटिव स्टॉक आया? सिर्फ 5 ही आया, यानी 50 हम बेच सकते हैं, 10 बेच सकते हैं, 20 बेच सकते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं, क्योंकि 50 ही तो है हमारे पास। और एक की कीमत रखेंगे बेचने की 230 रुपए, ये डाल दिया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ पे CGST डाल दीजिए और एंटर करके SGST डाल दीजिए, ये काम हो जाएगा आपका, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। बस यही तो एंट्री है, इतना ही आपको करना है, ठीक है ना। बट ये याद रखिए कि प्रॉपर तरीके से ये एंट्री करना ज्यादा सही है। वैसे आप यहाँ पर अब जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये गेटवे ऑफ टैली पर आ गए जो कि टैली की मेन मेन्यू है। यहाँ पर हमें फिर कहाँ आना है, स्टॉक समरी पे आना है। तो देखिए नीचे स्टॉक समरी है, आप नेविगेशन बटन को प्रेस करते हुए यहाँ तक आएंगे और यहाँ जब आएंगे तो स्टॉक में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या स्टॉक मौजूद है। ठीक है, माउस के कितने स्टॉक आपके पास और मौजूद है, यहाँ देखिए 40 स्टॉक है, तो आप चाहे तो और भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी स्टॉक आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, वो आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमने इनवर्ड, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे इनवर्ड में आपका कुछ भी नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आउटवर्ड ही आएगा, इनवर्ड आपने किया नहीं है तो ये आउटवर्ड में आएगा। तो ये एक सॉल्यूशन जरूर हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेरे हिसाब से परचेज करके सेल करना ये ज्यादा बेटर, ये ज्यादा सही। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि सर मेरे यहाँ तो ऐसे हो जाता है, तो वो कैसे हो जाता है वो समझ लीजिए, वो यही तरीका है, ऐसे ही ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप ऐसे करते हैं तो एंट्री आपकी हो जाएगी और कुछ हद तक सही भी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा सही तो वही एंट्री होगी जो कि परचेज करके सेल करिएगा तो होगी। ठीक है, तो ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है, और इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, और परचेज करके सेल करना मेरे हिसाब से ज्यादा उचित, वैसे ये बीच का रास्ता है। ठीक है।